वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। फिर से एक नया वीडियो के साथ चलिए किचन में चलते हैं और क्या बना रहे हैं आप लोगों को दिखाते हैं। आज मैं एक बड़ा साइज का प्रॉन्स लिया, बंगाली लोगों में बोलते चिंगड़ी माछ, बहुत से लोग बोलते प्रॉन्स या झींगा मच्छी। आज मैंने बहुत बड़ा साइज का एक लिया। आज मैं इसका ग्रेवी बनाने वाली हूँ। इधर मैंने मसाला रेडी कर लिया, इधर मैंने प्याज काट के रखा है, थोड़ी सी दो तीन लौंग, इलायची, दालचीनी, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया, मुझे ज़रूरत है तो इसमें से एक चम्मच चाहिए, और थोड़ी सी काजू। तो मैं प्याज और काजू का पेस्ट बनाऊँगी और एक प्याज का फ्राई करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में तेल चढ़ा देंगे और एक प्रॉन्स को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। पहले कढ़ाई में तेल डाल देते हैं, प्रॉन्स को पहले फ्राई कर लेंगे। मैंने तेल चढ़ा दिया, इसमें डाल लेंगे थोड़ी सी हल्दी, कि तेल ज़्यादा ऊपर ना आए, और फिर इसमें भी थोड़ा सा हमारा झींगा मच्छी या प्रॉन्स में भी थोड़ा सा हल्दी लगा लेंगे। पहले इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और मैंने बीच बीच पे थोड़ा सा मैंने पच लगा दिया कि मसाला अच्छे से अंदर तक आ जाए। तो पहले उसको फ्राई होने देते हैं, तब तक मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो हमारा एक साइड अच्छे से फ्राई हो गया, अभी दूसरी साइड को भी ऐसे इसको फ्राई कर लेंगे। ये भी अच्छे से फ्राई होने देते हैं, दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई हो गया। अभी इसको निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में मसाला रेडी कर लेंगे। इसी कढ़ाई में इसीलिए क्योंकि इसमें जो भी इसका जो मसाला पेस्ट फ्लेवर सब कुछ है इसमें, तो मैं थोड़ा सा और तेल ऐड कर दूँगी इसमें। अभी ऐसा थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश दिख नहीं रहा है, लेकिन प्याज डालने के बाद ये कम हो जाएगा। अभी इधर दो तीन लौंग, इलायची सब कुछ डाल देंगे, एक तेज पत्ता, इसको खुशबू आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से छीटे ना उड़े तो पहले थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। अभी इधर जो प्याज काट के रखा ये डाल देंगे, प्याज को अच्छे से लाल करके फ्राई कर लेंगे। बहुत कम मसाले में मैं चिंगड़ी मलाई करी या प्रॉन्स ग्रेवी बना रही हूँ, आप लोग देख के रहिए, आइए बहुत अच्छा लगेगा। प्याज को अच्छे से लाल करके भाज लेंगे। इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ी सी नमक, प्याज थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। प्याज को फ्राई होने देते, तब तक बाकी मसाला मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इसको होने देते। प्याज फ्राई हो रहा है, इधर मैंने आधा प्याज का पेस्ट बना लिया। इधर मैंने दो चावल जितना टुकड़े वाला काजू लिया, आप चाहे तो आंखे वाले भी ले सकते हैं। इसका मैं पेस्ट बना लूँगी और इसमें डालेंगे दो से तीन चम्मच दही, इसका एक पतला सा पेस्ट बना लेंगे। पहले इसका पेस्ट बना के रेडी कर लेते हैं। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया, देखिए मतलब फेस पे ऐसा तो दिख नहीं रहा है आप लोगों को। इसमें मैं डाल लूँगी अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट एक चम्मच, इधर जो प्याज का पेस्ट रखा है दो तीन चम्मच वो डाल देंगे। पहले इसको थोड़ा मिक्स कर देते हैं, क्योंकि जब तक सूखे मसाला डालेंगे कहीं नीचे लग ना जाए, वो हिसाब से अभी सूखे मसाले जो भी है वो डाल देंगे। इसमें मैं डाल दूंगी आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर, इसमें डालेंगे धनिया जीरा पाउडर। आप जिस तरह का तीखा खाते हैं आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्ची पाउडर एक चम्मच, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसिक जो मसाला है पहले वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
देखिए तेल साइड साइड से छोड़ रहे हैं। अब इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये मैं ऐड करूंगी आधा चम्मच जितना, इसमें जैसा तीखा नहीं होता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक मिनट के लिए, एक मिनट ज्यादा बोल रही हूँ। जस्ट इसको भून लेंगे मसाला। इधर जो मैंने दही या काजू और प्याज पेस्ट बनाया वो डाल देंगे। इसको भी थोड़ा सा मिक्स करके अच्छे से मसाला भून लेंगे। दही है तो गैस को एकदम स्लो रखिए, नहीं तो फट के वो छेना जैसा हो जाएगा। पहले इसको नॉर्मल होने दीजिए, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो दही ऐसा फटने जैसा नहीं होगा। नमक मैंने जस्ट एकदम थोड़ा सा डाला था, अभी मैं अपने हिसाब से नमक ऐड करूँगी। फिश में भी नमक है, चाहिए तो लास्ट में चेक करके फिर डालेंगे। अच्छे से भुना हो गया, देखिए तेल अच्छे से छोड़ रहा है। अभी हमने जो दही और काजू का पेस्ट बनाया है पानी ऐड करके थोड़ा सा डाल देंगे, तो मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला भी अच्छे से भुनेंगे, क्योंकि सूखा मसाला डाला, बाकी मसाला डाला, कुछ भी मैंने भुना नहीं, मतलब अलग से कुछ पकाया नहीं, तो पहले इसको अच्छे से होने देंगे। मसाला अच्छे से बॉयल हो गया, अभी हमने जो प्रॉन्स फ्राई करके रखा ये डाल देंगे। इसको अच्छे से स्लो गैस पे एक मिनट के लिए भुने देंगे, तो मसाले में फिश का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। गैस को स्लो ही रखेंगे और इसको एक मिनट के लिए भुने देंगे। तो ये अच्छे से बॉयल आ गए, इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरा धनिया और इसको मिक्स करके गैस को ऑफ कर देंगे। तो गाइस आप लोग अगर हमारा ये प्रॉन्स ग्रेवी या चिंगी मच मलाई का ये रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इसके लिए बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।